हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये है चार्ट विधि स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स का। ये शेयर 2014-15 में देखो तो ₹10 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज के दिन में शेयर 335 पे अपर सर्किट पे फ्रीज है। ये शेयर क्या आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या नहीं, ये एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे और शेयर्स मिलते रहे। पहले देखते हैं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट हमें कहती है कि ये कंपनी का काम है स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स बनाने का। विधि स्पेशलिटी इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सुपीरियर सिंथेटिक एंड नेचुरल फूड ग्रेड कलर्स, प्रोवाइडिंग कस्टमर्स वर्ल्ड क्लास कलर सोल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। तो ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये जो कलर्स बनते हैं, हम देखते हैं ये कैंडीज अलग अलग कलर की, येलो ग्रीन पर्पल हो गया रेड, तो ये इसमें जो कलर मिक्स होता है ये बनाने का काम ये कंपनी का है। मेनली ये कंपनी कंज्यूम्ड इन ओवर 80 कंट्रीज अक्रॉस सिक्स कॉन्टिनेंट्स के 80 कंट्रीज में इनका बिजनेस फैलाए और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर सेपरेटेड ओवर एन एरिया ऑफ 176,000 स्क्वायर फीट लोकेटेड इन धातव विलेज ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है बिल्कुल। और सबसे मेन बात, आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैव बीन ऑडिटेड एंड फूड सेटिस्फैक्ट्री बाय USFDA। ऑल आवर प्रोडक्ट्स कैरी हलाल एंड कोशर सर्टिफिकेशन। तो ये जो दो सर्टिफिकेशन है, हलाल एंड कोशर, USFDA से इनको मंजूरी मिल चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। USFDA नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, कंपनी का पूरा ओवरव्यू देखने के बाद उनको परमिशन देती है कि कितनी सेफ्टी है। बिसाइड फूड कलर्स द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन सोर्सिंग एंड एक्सपोर्टिंग हाई क्वालिटी नॉन फूड डाइज, एसिड डाइज, टेक्सटाइल डाइज, रिएक्टिव डाइज, बेसिक डाइज एंड पिगमेंट्स। ये काम ये कंपनी करती है बिल्कुल। इसमें इन्वेस्ट करने लायक कंपनी, इसे आप अपने रडार पे जरूर रखिए। ये नॉर्मली हम कहाँ कहाँ देखते हैं, सिंथेटिक वाटर सोल्यूबल कलर, नेचुरल कलर, एल्यूमिनियम लेक्स, इन सब में ये जो कलर्स यूज होते हैं ये बनाने का काम विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स ये शेयर का है। अभी हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल कैसे। तो 1,670 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 1 की, स्टॉक का P45 के पी पे ट्रेड कर रहा है। फूड इंग्रेडिएंट्स बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में कंपनी करती है काम। सबसे मेन बात, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, 20% के CAGR से ग्रो कर रही है लास्ट 5 ईयर से। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि प्रमोटर इसमें हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, वो आगे हम देखेंगे, पर प्रमोटर इसमें अपनी हिस्सेदारी कम करे जा रहे हैं, यही इसमें प्रॉब्लम है कंपनी में। अभी अगर हम देखें इनके सेल्स, तो सेल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे 40, 49, 79, 98 करोड़। तो सेल्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं जैसे हमें चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ से 16 करोड़ हुआ, फिर 17 करोड़ हुआ, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है। यहाँ भी देख सकते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स इंक्रीज बढ़ रहे, उसके साथ साथ प्रॉफिट बढ़ रहा, 31 करोड़ से 46 करोड़, 51 करोड़ से 53 करोड़। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा, ये पॉजिटिव बात है। रिजर्व्स इनके पास 157 करोड़ के है और कर्जा है 30 करोड़ का। आप देख सकते हो रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी कर्जा कम करे जा रही, 44 करोड़ से 34 करोड़ किया, फिर 30 करोड़ किया, मतलब कंपनी कर्जा कम कर रही। आने वाले टाइम में ये जीरो भी कर सकते हैं, तब ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हो जाएगी, ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, अभी 64.27% प्रमोटर के पास है, FIIs 22% होल्ड करते, DIIs 30% और पब्लिक के पास 35% शेयर से। तो FIIs, DIIs 0.22, 0.30% इसमें स्टेक होल्ड कर रहे हैं और पब्लिक के पास 35, और मेन बात प्रमोटर के पास 64.27% है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, प्रमोटर होल्डिंग इसमें बहुत स्ट्रांग है, तो इस पे आप जरूर नजर रख सकते हो।
अब हम देखेंगे कंपनी ने अभी तक आपको कितना रिटर्न दिया। तो देखो 1 वीक में 18%, 1 मंथ में 54% रिटर्न, 3 मंथ्स में 17 और 1 ईयर में 378% के रिटर्न कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। बहुत बढ़िया रिटर्न कंपनी दे रही है और आने वाले पीरियड में भी देखे आप सितंबर क्वार्टर से रिजल्ट देखो, हर एक क्वार्टर में आपको ग्रीन ही दिखेगा, इसमें रेड पैरामीटर एक भी नजर नहीं आ रहा, मतलब कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है। ये एक बात हो गई। अभी यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें से प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, प्लेजिंग जीरो है। म्यूचुअल फंड अभी क्योंकि DII सिर्फ 0.30% होल्ड करते हो तो म्यूचुअल फंड उसमें कोई भी नहीं है। और ये कंपनी का अगर देखा जाए तो 1994 से है, स्मॉल कैप कंपनी है, अभी स्मॉल कैप है पर आने वाला टाइम इसका हो सकता है केमिकल बेस्ड कंपनी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है। अभी चार्ट चेक अगर हम देखते हैं तो आज के दिन में इसकी जो मूवमेंट आनी थी वो तो 20% आज अपर सर्किट पे लग गया है, देख सकते हो 280 के नीचे आसपास ट्रेड कर रहा था जब, और वहां से एक शार्प रैली आई इसमें और सीधा शेयर अपर सर्किट पे जाके फ्रीज हो गया। तो आज के दिन का तो इसमें मूवमेंट दे दिया, आप देख सकते हो यहाँ लिक्विडिटी कम होती है, शेयर देखो कैसे मूवमेंट करता है, यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल गलती से कोई ट्रेड होता है और अभी अचानक से ये ऊपर चला गया। पर अगर ओवरऑल देखे तो ओवरऑल में बहुत बढ़िया रिटर्न दिखेगी आपको, 1 डे पे देख सकते हो आप, धीरे धीरे चार्ट बढ़ते ही जा रहा है, 335 पे है अभी भी, इसमें एंट्री अगर लेनी हो आपको तो 300 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मुझे एंट्री लेनी होगी तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 270 का स्टॉप लॉस रखूंगा मैं यहाँ से, और अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वो 300 का स्टॉप लॉस, और लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो 275 का स्टॉप लॉस भी रखा तो चलेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा और लॉन्ग टर्म में इसके गेंस बहुत बढ़िया गेंस पॉसिबल है, इसलिए इसमें अभी भी एंट्री अगर लोगे स्टॉप लॉस रखो, टारगेट में इसको टारगेट में मत बांधो ये शेयर को, इसको स्टॉप लॉस पे रखो कि हाँ इसके नीचे अगर जाने लगा तो मुझे डरना है पर मेरे टारगेट ऊपर के अनलिमिटेड है, ऐसा अगर सोचोगे तो ही आप शेयर मार्केट से पैसा कमा पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये शेयर स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स बनाता है, ये आपको याद रखना है, और अगर आपको लगता है कि इसमें आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सकता है तो इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए इनका। और अगर देखा जाए तो ये बीवरेजेस, कॉन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल, फीड्स, कॉस्मेटिक, इंकजेट लिंक्स एंड सॉल्ट फ्री कलर प्रोवाइड करती है ये कंपनी। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट आ चुका है चार्ट पे, अनचार्टेड टेरिटरी में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो आप इस पे रडार, इसको आप अपने रडार पे रख सकते हो। ये रहा ओवरऑल एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।